वेलकम स्टूडेंट्स फिर से मैथ्स का और एक सवाल सॉल्व करने के लिए मिले हैं सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक टाइप है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेटस्ट टेक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिट दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल ये वर्ड है ना उसमें एक वर्ड आता है बी आई बाय बी आई बाय का मतलब होता है टू जहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज़ है उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टॉस अ कॉइन मैंने अगर कॉइन को टॉस किया दो पॉसिबिलिटीज़ है हेड या फिर टेल सो दैट्स वाई दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली सपोज इफ आई सॉल्व एनी क्वेश्चन अगर मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किया तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ है दैट क्वेश्चन कैन बी राइट और दैट क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग तो दो पॉसिबिलिटीज़ है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली इफ़ यू आर प्लेइंग सम गेम मोबाइल पर कुछ गेम खेल रहे हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है आइदर यू विल विन और यू विल लूज़ सो बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है ना ऐसे जितने भी सिचुएशंस है ऑल दोज सिचुएशंस कम अंडर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो लेटेस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट उसका फॉर्मूला क्या है एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स अभी ये पी क्या है क्यू क्या है देखते हैं सो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रायल्स सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग अ गेम एक गेम खेल रहे कितने बार आपने गेम खेला तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस means विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी तो आपका प्रोबेबिलिटी हो गया Q इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ दैट दैट इज वन माइनस पी मतलब अगर ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो ये Q यानी हारने की प्रोबेबिलिटी दैट इज वन माइनस पी सो नोट X कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू n. अभी ये जो फॉर्मूला है ना इसमें जो X है X यानी जो आपको फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में दैट इज यूर एक्स सो दैट एक्स कैन वै टेक वैल्यू जीरो टू एन वो अभी जब क्वेश्चन आएगा तभी मैं आपको बताता हूँ और वन मोर थिंग दिस दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज़ ऑलवेज जीरो पॉइंट समथिंग जीरो पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है कि जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सिक्स सेवन जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव ये टर्म्स में आपके आंसर्स आने चाहिए जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी आपके क्वेश्चन में आती है तब गॉट इट अगर ये ये टर्म्स में अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है देन यू हैव टू चेक समवेयर कि क्या गड़बड़ है कुछ ठीक है सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन क्वेश्चन वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली थ्री ऑफ द फाइव क्वेश्चन रुपेश अटेम्प्टेड आर करेक्ट गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज जीरो पॉइंट सिक्स अभी ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है फर्स्ट बाइनोमेल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसे मैंने आपने आपको बताया कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे कि एक्शन क्या हुआ है यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है सो so रुपेश अटेम्पटेड सम क्वेश्चन राइट कुछ क्वेश्चंस रुपे कुछ क्वेश्चन रुपेश, रुपेश ने अटैम्प्ट किए तो रुपेश ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ये एक्शन हुआ है तो उसमें जो आंसर आएगा अगर रुपेश

एन क्या है पी क्या है एंड क्यू क्या है सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ सॉल्व क्वेश्चन और ही हैज़ अटेम्प्टेड क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट डाउन सो देखो कितने बार क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया फाइव फाइव क्वेश्चन रुपेश अटेम्प्टेड सो एन इज इक्वल टू फाइव वट इज माई पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितना दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स वॉट इज द वैल्यू ऑफ क्यू क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी अप्लाई द फॉर्मूला वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज जीरो पॉइंट फोर इज दैट क्लियर एन पी क्यू मिला अभी फाइंड क्या करना है आपको वट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी फाइंड आउट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट थ्री आंसर्स आर करेक्ट ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी so, क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली थ्री करेक्ट आंसर्स थ्री करेक्ट आंसर्स सो ये आपको फाइंड करना है सो so, आपको ये एग्जैक्टली थ्री करेक्ट आंसर ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया जो मैंने बोला था ना एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन अगर कोई बंदा सपोज पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स आर पॉसिबल आइदर यू कैन हैव जीरो आंसर देट इज़ करेक्ट वन टू थ्री फोर फाइव फाइव या फाइव से ज़्यादा कुछ आ सकता है क्या सिक्स आंसर करेक्ट हो सकते है क्या नो जीरो से कम माइनस थ्री आंसर करेक्ट हो सकते क्या नो सो दैट्स वाई हियर रिटर्न एक्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू एन एन यानी ये ये जो वैल्यू है वो हर क्वेश्चन के लिए एन का वैल्यू अलग होगा तो ये ज़ीरो टू एन कुछ कभी कभी सपोज मैंने दस क्वेश्चन सॉल्व किए तो जीरो टू टेन रेंज हो जाएगा तो वो आपको ध्यान में रखना है सो वॉट इज टू बी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू थ्री सो अप्लाई द फॉर्मूला वॉट इज द फॉर्मूला एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स एकदम सिंपल फॉर्मूला अभी ये ये जो है ना वो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इन प्रोबेबिलिटी यू शुड रिमेंबर दिस कंसेप्ट दिस इज द कंसेप्ट फ्रॉम परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कॉम्बिनेशन का सी है ये ओके सो हाउ टू कैल्कुलेट दैट दैट इज़ ऑल्सो सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको सो एन का वैल्यू इज फाइव सी का वैल्यू वैल्यू नहीं होता है सी इज़ अ सिम्बॉल एक्स का वैल्यू क्या है थ्री सो फाइव सी थ्री लिखा देन पी का वैल्यू इज जीरो पॉइंट सिक्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू इज थ्री क्यू का वैल्यूज जीरो पॉइंट फोर ब्रैकेट रेस टू एन माइनस एक्स एन माइनस एक्स मैंने फाइव माइनस थ्री सो फाइव सी थ्री इफ यू रिमेंबर देर इज़ वन शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट फाइव सी थ्री पहले ये थोड़ा मैं सिम्पलीफाई करता हूँ फाइव सी थ्री एज इट इज़ लिखा जीरो पॉइंट सिक्स रेस टू थ्री जीरो पॉइंट फोर रेज टू फाइव माइनस थ्री इज टू सो फाइव सी थ्री का एक शॉर्टकट है अभी नीचे बेस थ्री है ना तो ये फाइव को थ्री नंबर्स थ्री प्लेसेस पीछे लिखो फाइव फोर थ्री वन टू थ्री थ्री प्लेसेस एंड ये थ्री है ना तो थ्री को ऐसे लिखो वन टू थ्री इट अगर फाइव सी थ्री के बदले फाइव सी फोर होता तो आई वुड है फाइव फोर थ्री टू जितना नीचे रहेगा उतने नंबर ऊपर होने चाहिए सो जीरो पॉइंट सिक्स रेस टू थ्री सो जीरो पॉइंट सिक्स टू थ्री इफ आई कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर द आंसर इज़ जीरो पॉइंट टू वन सिक्स जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है जीरो पॉइंट वन सिक्स ठीक है सो व्हाट इज द आंसर सो दिस इफ़ यू कैलकुलेट कैंसिल दिस थ्री थ्री गेट कैंसिल टू ये टू से कैंसिल हो जाएगा तो फाइव टू 10 टेन आएगा ये ज़ीरो पॉइंट टू वन सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स सो इफ़ यू डू द एंटायर मल्टीप्लीकेशन वॉट इज योर आंसर फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली थ्री करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इसका मल्टीप्लीकेशन दैट इज ज़ीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स चेक करो ये जो आपका आंसर आया ऑलवेज जीरो पॉइंट समथिंग ये जीरो पॉइंट समथिंग में आया कि नहीं येस दैट्स गुड ठीक है सो so, ये था एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देर इज वन मोर सिमिलर क्वेश्चन आप क्वेश्चन रीड करो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने को और आगे मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ वो आप चेक करो ठीक है सोल्यूशन वीडियो को पॉज करो और चेक करो आपको ये आ सकता है क्या एन का वैल्यू पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू वट इज़ द वैल्यू ऑफ एन लेटस रीड द क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज जीरो पॉइंट फोर अजय प्लेड सिक्स गेम्स कितने गेम्स प्ले किए सिक्स गेम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन्स एक्जैक्टली टू गेम्स वंस अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट कैसे पता चलेगा बाइनोमियल का क्वेश्चन है विनिंग गेम गेम खेलते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है विन हो गए या फिर लूज होंगे तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन का वैल्यू कितना कितने गेम खेले छः गेम एन इज इक्वल टू सिक्स पी इज इक्वल टू विनिंग प्रोबेबिलिटी विनिंग प्रोबेबिलिटी दिया है क्या विनिंग गेम इज जीरो पॉइंट फोर सो क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी दैट इज वन माइनस जीरो पॉइंट फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स अभी फाइंड क्या करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विन्स एग्जैक्टली टू एकदम सिंपल क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कुछ भी आपको कुछ लॉजिक नहीं यूज करना है जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करना है ओके सो वॉट इज द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू गेम्स विन ठीक है सो वॉट इज द आंसर फॉर्मूला लिखो ये प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू टू सो वोट इज़ द फॉर्मूला एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स सो दिस इज द फॉर्मूला सो सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ एन एन इज इक्वल टू सिक्स सी एक्स का वैल्यू क्या आएगा एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू इज़ टू p का वैल्यू इज ज़ीरो पॉइंट फोर रेस टू एक्स दट इज़ टू जीरो पॉइंट सिक्स रेस टू एन माइनस एक्स एन का वैल्यू इज सिक्स माइनस टू सो सिंप्लीफाई करेंगे सिक्स सी टू जीरो पॉइंट फोर स्क्र जीरो पॉइंट सिक्स रेस टू फोर अब ये देखो सिक्स सी टू है ना सो सिक्स इंटू फाइव क्यों दो ही टर्म आए नीचे दो है इसके लिए नीचे तीन रहेगा तो ऊपर तीन टर्म ठीक है नीचे टू कैन बी रिटर्न एज वन इंटू टू जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर, जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर इज जीरो पॉइंट वन सिक्स ज़ीरो पॉइंट सिक्स रेस टू फोर उसको रेस टू फोर करेंगे जीरो पॉइंट वन टू नाइन सिक्स कैलकुलेटर से आपको मिलेगा ये आंसर ठीक है सो सिंप्लीफाई करो इसको टू टू थ्री ज़ा सिक्स सो थ्री फाइव फिफ्टीन ये फिफ्टीन हो गया जीरो पॉइंट वन सिक्स इंटू जीरो पॉइंट वन टू नाइन सिक्स सो वॉट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस जीरो पॉइंट थ्री डबल वन जीरो फोर सो वॉट इज द फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली टू गेम्स विन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री डबल वन ज़ीरो फोर क्या बोला था जीरो पॉइंट समथिंग आपका फाइनल आंसर किस में आना चाहिए जीरो पॉइंट समथिंग में इज इट द राइट आंसर येस ठीक है सो सिमिलर क्वेश्चन आप भी ट्राई करो कुछ भी डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो